बेकरी वाला सिस्टम नहीं है ना वो सेटअप है, क्योंकि वो तो पहले से बना के रखे होते हैं काफ़ी दिन पुराने पुराने। इनफैक्ट वो तो कहते यही हैं कि जब तक 3 दिन पुराना केक होता है तो हम इसके ऊपर आइसिंग करते हैं, उसके अलावा अदरवाइज़ वो केक नहीं बनाते, उनसे हैंडल नहीं होते। तो हमारी जो कोशिश है वो यही होती है कि हर एक को दें। रात में ज़्यादातर काम करती हूँ, साथ में मेरी फैमिली फ्रेंड है, मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। हम जिसका भी ऑर्डर डन करते हैं ना, हम 2 दिन पहले डन करते हैं। अभी तो हम कर भी रहे हैं थोड़े, लेकिन छोटे पैमाने पे। क्रिएशन बाय नेहा के नाम से उनका पेज है, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी है, तो वो मुझे ज़्यादातर करती है। मैंने पीसी होटल से काफ़ी डिप्लोमाज लिए। खाने की चीज़ है, बंदे का नियत बेईमान हो जाती है। कभी ऐसा हुआ आपने यहाँ से ऑर्डर भेजा है और वो डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर ही ना पहुँचाया हो? कई दफ़ा कुकिंग से रिलेटेड ज़्यादा, क्योंकि ना मैंने आपको बताया ना कि जो है मेरा पैशन, आप समझ लें इसको जुनून समझ लें आप मेरा। बच्चों को, फैमिली को कैसे मैनेज करती हैं इस काम के साथ? अगर एक एक ऑर्डर पर 6-6, 7-7 घंटे लगते हैं, कैसे मैनेज करती हैं? अस्सलामुअलैकुम दस्तक टीवी के साथ, मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है। नाज़रीन, जैसे आपको पता आजकल जो ख़वातीन हैं वो मर्दों के शाना बशाना, कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। आपको पता है एक बंदे की कमाई से तो घर चलता नहीं है। हम जिस घर में मौजूद हैं, इस घर में एक ऐसी मोटिवेशनल हमारे पास खातून है जो पिछले 6 साल से अनथक मेहनत कर रही हैं और आज उस मेहनत ने रंग लाया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये केक विद क्रिएशन बाय नेहा एंड ऑल टाइप ऑफ बेकरी आइटम्स, ये तमाम कस्टमाइज केक का बिज़नेस ये करती हैं। कराची से ही आई हैं और अब ये कितना अर्न कर रही हैं इस बिज़नेस से, और ये जो घर है ये इसी कमाई से इन्होंने लिया, और ये स्पेसिफ़िकली ये घर सिर्फ और सिर्फ बेकिंग के लिए यूज़ करती हैं। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हिना शहज़ाद। हिना शहज़ाद, ये एक केक हमारे सामने है, कुछ केक्स हमारे पीछे हैं, कुछ केक इसके बाद भी बनने वाले हैं। मुझे ये बताएं, 6 साल से आप ये बिज़नेस कर रही हैं, कैसे इस बिज़नेस में आई? शौक़ तो शुरू से था मुझे, आप समझे क्लास 7 से ही स्टार्ट मैंने कर दिया था, लेकिन क्लास 7 से स्टार्ट? जी, जब मैं क्लास 7 में पढ़ती थी। अच्छा। तो लेकिन ये कि जब इतनी ज़्यादा ना नहीं थी हम लोगों के पास, इतनी सहूलियात वगैरह नहीं थी ना कोई इस तरह का, बस चीज़ें बनती गई बिगड़ती गई, आप उससे अंदाज़ा करें। फिर क्लास 7 में थी तब कौन सा सन था? 97। तब तो चूल्हों का रिवाज था, ओवन तो अभी आए हैं, तो ये बेकिंग कैसे करती थी? अब्बू ने मुझे बाहर से मंगवा के दिया था ओवन, उस टाइम उन्होंने कहा था कि जब शौक है तो उन्होंने मुझे मंगवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करते थे मेरे फादर। तो फिर उसके बाद ये कि आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ता गया, फिर मैंने पीसी होटल से काफ़ी डिप्लोमाज लिए कुकिंग से रिलेटेड। पीसी होटल लाहौर? नहीं, कराची। कराची? कराची वाली? कराची बेस्ड हूँ ना मैं। अच्छा। कराची से तो फिर यहाँ पे आके फिर शेरटन से मैंने कोर्स किए, उसके बाद फिर लाहौर आके भी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड मुझे इस तरह मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सपोर्ट करने वाले, तो उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उन्होंने मुझे हर जगह से क्लासेस अटेंड करवाएं, फ्लैटिस होटल से मैंने क्लासेस का कोर्स किया, जौहर टाउन से मैंने कोर्स किया, उसके अलावा पीसी से भी मैंने किया, तो अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे खड़ी हूँ। शादी करके आप कराची से लाहौर आई हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। लाहौर आने के बाद आपने बिज़नेस शुरू किया या कराची में भी कुछ करती थी? नहीं, कराची में सिर्फ शौकिया मैं करती थी, जो भी करना होता था जैसे फैमिली के लिए कभी कभार कर लिया सिर्फ वो, लेकिन लाहौर आने के बाद प्रोफेशनल जो है ना वो, फिर मैं कह रही हूँ ना मेरे हस्बैंड की मोटिवेशन थी इसके पीछे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं कुछ करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दिया। और आज हम माशाल्लाह देख रहे हैं कि इतना इनके पास काम है कि हमने थोड़ी देर वेट किया है कि हमें टाइम मिल जाए इनसे। मुझे ये बताएं, इतना प्रोफेशनली ये केक बनावे, अगर मैं ये दिखाना चाहूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई किसी बेकरी से मंगवाया है। बेकरी आइटम इतनी ईजिली आप घर में बना लेती हैं, कितना टाइम लगता है इसको बनाने में, इस केक को बनाने में कितना टाइम लगा? केक को बनाने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब ये कि हम जिसका भी ऑर्डर डन करते हैं ना, हम 2 दिन पहले डन करते हैं, क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है जिसको हम जो चीज़ दें ना वो हम ओवन फ्रेश दें। बेकरी वाला सिस्टम नहीं है ना वो सेटअप है, क्योंकि वो तो पहले से बना के रखे होते हैं काफ़ी दिन पुराने पुराने। इनफैक्ट वो तो कहते यही हैं कि जब तक 3 दिन पुराना केक होता है तो हम इसके ऊपर आइसिंग करते हैं, उसके अलावा अदरवाइज़ वो केक नहीं बनाते, उनसे हैंडल नहीं होते। तो हमारी जो कोशिश है वो यही होती है कि हर एक को दें, तो तकरीबन 6-7 घंटे एक केक के ऊपर लगते हैं। 6-7 घंटे?
और मैं जब से देख रही हूँ मैंने ये देखा है कि आप खड़े होके काम कर रही हैं। खड़े होके ये काम करना कितना मुश्किल है, 6-7 घंटे अगर आप खड़े होके काम कर रही हैं, थक नहीं जाते आप लोग खड़े खड़े? थकते हैं मगर वही जुनून, दिल चाहता है कि कुछ करके दिखाना है। यहाँ तक तो पहुँच गए, अल्लाह करे इससे भी कुछ और आगे जाना है, क्योंकि आगे जो है ना हमारा ये है कि अब हम कुकिंग का जब स्टार्ट करेंगे ना तो ऑफिसेज वगैरह के लंच के बाद भी कुछ करना चाह रही हैं। हाँ, अभी तो हम कर भी रहे हैं थोड़े, लेकिन छोटे पैमाने पे लंच वगैरह प्रोवाइड करते हैं हम ऑफिसेज में। अब हम उस चीज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ें। अब जिस एरिया में हम रहते हैं ना, या मुझ जैसी मतलब मुझसे भी डाउन कई ऐसी खातून हैं जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं सकती, सिर्फ फाइनेंशियली तौर पे वो इतनी परेशान है। तो हम चाहते हैं कि एक दूसरे का साथ करके ना, तो हम कुछ इनको भी साथ में अपने साथ कुकिंग में शामिल करके हम फिर आगे करें। मुझे ये बताएं, अकेले बंदे का काम नहीं है, हस्बैंड के अलावा कौन कौन ऐसा है जो इस बिज़नेस में आपका सपोर्टिव है? क्योंकि ऑर्डर्स लेने, ऑर्डर्स पहुँचाने, सारी मैनेजमेंट पीछे टीम ज़रूरी है जितना माशाल्लाह से आपका काम है? अल्हम्दुलिल्लाह टीम है, एक मेरी है, साथ में मेरी फैमिली फ्रेंड है, मेरी बिजनेस पार्टनर भी हैं। वो क्रिएशन बाय नेहा के नाम से उनका पेज है, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी है, तो वो मुझे ज़्यादातर करती है। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है आजकल तो डिलीवरी बॉयज़ बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, आप क्योंकि बीइंग अ लेडी हैं और आप लोग अक्सर उबर क्रीम पे भी पार्सल जब जल्दी भेजना होता है, कभी ऐसा फ्रॉड हुआ है कि खाने की चीज़ है बंदे का नियत बेईमान हो जाती है, कभी ऐसा हुआ आपने यहाँ से ऑर्डर भेजा है और वो डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर ही ना पहुँचाया हो? कई दफ़ा। आप ये अंदाज़ा करें कि रमज़ान में ऐसा हुआ हमारे साथ, तो इंसान फिर कितना, रमज़ान एक ऐसा मौका होता है कि सोचता है कि इंसान उसमें तो अल्लाह ताला शैतान तक को कैद कर देता है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ जो काम पता उसने अफ्तारी करनी तो मुँह से बता देते वो भाई कि हम उन्हें वैसे ही करवा देते। लेकिन पता है कि जिनका इवेंट था ना उनका ख़राब हो गया, हमारा एक केक था, हमारे रोल समोसे थे उसके अंदर, मतलब काफ़ी कुछ ऐसा था जो वो लेके ना फरार हो गए थे। डिलीवरी वाले भाई ने डिलीवरी की अफ्तारी कर ली। चलिए जी, ऐसे भी होता है ऑनलाइन कामों में, सबसे मुश्किल तरीन काम क्या लगता है ऑनलाइन बेकिंग वगैरह में या ऑनलाइन डिलीवरीज में, क्या चीज़ सबसे मुश्किल आपको लगती है? सबसे मुश्किल जो मुझे लगती है ना वो यही लगती है, जो नेट वगैरह का यूज़ है ना मुझे इतना नहीं आता, इसलिए मैंने ये टोटली जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने नेहा को दी हुई, वही करती हैं, वही सब कुछ देखती हैं कौन सा ऑर्डर कहाँ डन करना है, किस तरह करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ऑनेस्टली बहुत अच्छा चल रहा है। घर में मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ, ये आपकी यहाँ पे रिहाइश नहीं है, रिहाइश आपकी कहीं और पे, तो ये कैसे मतलब इसमें से इतना मैनेज हो जाता है कस्टमाइज केक्स में से कि आपने एक और घर ले लिया और उसको पूरा रेनोवेट किया हुआ है आपने और यहाँ पर काम करते हो और आपने काफ़ी स्टाफ भी रखा हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब लिया ये घर आपने? ये लिए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया, आप ये समझें। उससे पहले आप वहीं कर रहे थे अपने? उससे पहले उधर ही कर रहे थे, तो वो छोटा ना, जाहिर है फिर अपनी फैमिली भी होती है उस हिसाब से, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब आपने करना है ना तो आप सेटअप आपके पास सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, जो एक अलग जगह ही ज़्यादा बेटर है। अभी ये है कि इधर भी हैं 2-3 रूम्स हैं, लेकिन उन सबको हमने इसी हवाले से कर देना, आहिस्ता आहिस्ता उसको सबको मुख्तस करते जाएंगे। मिनी होम तैयार कर रही हैं। मुझे ये बताएं, दूसरी भी आप कोई प्लानिंग बता रही थी कि इसके बाद आप कुछ करना चाह रही हैं, क्या क्या करेंगी आप इतनी सी उम्र में, क्या क्या करना चाहती हैं? बस कुकिंग से रिलेटेड ज़्यादा, क्योंकि ना मैंने आपको बताया ना कि जो है मेरा पैशन आप समझ लें, इसको जुनून समझ लें आप मेरा, कि बस मुझे आगे से आगे बढ़ते जाना, रुकना नहीं। सबसे बड़ी बात दूसरों की मदद हो रही है ना मेरे ज़रिए, मैं सिर्फ वो चीज़ ज़्यादा, दूसरों की दुआएँ होनी चाहिए मेरे लिए। लोग मजबूरी के तहत भी ख़वातीन आजकल काम कर रही हैं और हेल्पिंग हैंड बनी हुई हैं अपने मर्दों का, कोई मजबूरी है या सिर्फ शौक है? सही सही बताना है। शौक है फ़िलहाल तो, शौक है फिलहाल। फिलहाल। पैसे नहीं चाहिए, फ्री में भी लोग आपसे ले आप ये क्या ये क्या आपने यहाँ पे पर्चियाँ लगाई हुई हैं, ये क्या है, ये मुझे दिखाएंगे? ऑर्डर्स है ना, आए ज़रा, ये क्या मतलब, एक मुनफरिद सी चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे, इस पे डेट भी लिखी हुई है जनाब, वेट भी लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है। जब ऑर्डर डन हो जाता है ना पूरा, ये है एडवांस ऑर्डर, यानी कि इनकी हमारे पास ये है एडवांस ऑर्डर। अच्छा। तो इनकी हमारे पास एडवांस पेमेंट आ चुकी है। अच्छा जी, क्योंकि हम दे देते हैं एडवांस,
मसला होता है ना, फिर अगर हम देखें ना, मेरी 6-7 घंटे की मेहनत होती है, मैंने पूरे रात भर खड़े होकर एक काम किया। कुछ तो ऐसे केक होते हैं जिनका रात भर से मुझे तैयारी करनी होती है, नेक्स्ट डे जब वो इस तरह मना कर दें कि नहीं हमें नहीं लेना, तो फिर अफसोस होता है। इसलिए उस बात के पेश नज़र ना हमने ये डिसाइड किया कि हम जो भी करेंगे ना, हमने एडवांस के बगैर नहीं। कराची गए हुए कितना टाइम हो गया आपको, अपने मायके गए हुए कितना टाइम हो गया? अभी जून जुलाई की छुट्टी में तो वापस आई हूँ, बच्चों की वेकेशन होती है तो चली जाती हूँ ना। बच्चों को, फैमिली को कैसे मैनेज करती हैं इस काम के साथ? अगर एक एक ऑर्डर पर 6-7 घंटे लगते हैं, कैसे मैनेज करती हैं? रात में ज़्यादातर काम करती हूँ, जागती ज़्यादातर, दिन में घर की ड्यूटी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पर्स हैं ना मेरे साथ, वो खड़ी हैं, वो माशाल्लाह इतनी अच्छी हेल्प करवाती हैं मेरे साथ, ये हैं ये सब। घर तक तो आपने ये बिज़नेस कर लिया, इसको बेकरी में कन्वर्ट करने का कोई प्लान है? है इंशाल्लाह ताला, बेकरी भी करनी है, लेकिन वो भी हम इसी तरह रखेंगे कि वो भी हमारी बेकरी भी ओवन बेक की तरह ही हो, बिल्कुल फ्रेशली बेक हमारा जो होगा ना बेकरी सेटअप वही होगा, बाकी बेकरीज की तरह नहीं। सबसे मुश्किल तरीन केक आज तक का कौन सा बनाया? वो जो हमारे बैनर पर लगा हुआ। ओके, वो लगा हुआ। कौन सा ख़राब किया है? कभी तो होता है ना, इंसान है, गलती हो जाती है, कौन सा ख़राब किया? हुआ था एक बार, हमारे घर ना मेहमान आए हुए थे। अच्छा। तो नंद वगैरह सारे आए थे दावत पे, तो उन्हें क्रेज़ था कि इनके हाथ का केक खाना है। जब फर्स्ट टाइम मैं अपनी ससुराल के लिए बना रही थी, अच्छा। तो मैंने 10 पाउंड का केक रेडी किया, अब मैं उसे फ्रीज़र की ट्रे से निकाल ही रही थी ना, तो पता नहीं किस तरह से बाय मिस्टेक क्या हुआ, ऊपर से कोई चीज़ गिर के ना पूरी केक के ऊपर गिर गई। अब मैंने केक को देखा, मुझसे पीछे हस्बैंड खड़े थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, रिलैक्स, सोचो उसको हैंडल कैसे करना है। वहाँ मेहमान बैठे थे केक कट के इंतजार में। मैंने फिर यही किया, मैंने चॉकलेट मेल्ट की सारे केक के ऊपर, हालांकि वो पाइनएप्पल केक था, उसको सबको मैंने चॉकलेट से कवर कर, किसी को पता नहीं लगा। जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बता दें हम, जो खवातीन घर बैठ के ये इंटरव्यू देख रही थी, उनके लिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड स्टोरी रही होगी। और उम्मीद करती हूँ जो कुछ करना चाहती हैं और कर नहीं पाती, वो हिना से और नेहा से मोटिवेशन हासिल करें, कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा बिज़नेस करें और अपनी ज़िंदगी को सुकून वाली बनाएं, और जहाँ मर्ज़ी जाएं, ट्रैवल करें, जो मर्ज़ी करें, मज़े करें। आप लोगों के लिए लाती रहेंगे इस तरह की वीडियो। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।